नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में ये देखेंगे आप, जो चैप्टर है फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको समझा दिया था पिछली क्लास में। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टेक्स्ट। आज जो इसका मूल पाठ है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों पेज नंबर 50 जो है इसके ऊपर आएंगे आप, और पहली लाइन बोल रहा हूँ, देन सुनना। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. ये तो बच्चों आईडी रीडिंग हुई, अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन समझाता हूं। राइटिंग इन ए डायरी, किसी डायरी में लिखना, राइटिंग इन ए डायरी का मतलब होता है किसी डायरी में लिखना। ये जो राइटिंग है बच्चों, इसका अनुवाद लिखना ही होगा, ये जिरंड है। राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, यानी वास्तव में एक बड़ा विचित्र अनुभव है, फॉर समवन लाइक मी, किसी मेरी जैसी के लिए, किसी मेरी जैसी लड़की के लिए। मेरी लड़की का नाम नहीं है, मेरी का मतलब मेरी। तो इसमें बताया गया है किसी मेरी जैसी लड़की के लिए, क्योंकि मैं तो अभी 13 साल की लड़की हूं। आई एम ओनली 13-year-old स्कूल गर्ल, मैं अभी केवल 13 साल की 13 वर्षीय विद्यालय जाने वाली छात्रा हूं, और मेरी जैसी लड़की के लिए इतनी कम उम्र में किसी डायरी में लिखना क्या है? किसी डायरी में लिखना वास्तव में एक रियली क्या है, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस का मतलब होता है बड़ा विचित्र अनुभव है। किसी मेरी जैसी के लिए डायरी में लिखना वास्तव में एक बड़ा विचित्र अनुभव है, एक बड़ा अजीब तजर्बा है, एक बड़ा अजीब तजर्बा है। ओके बच्चों, देखना ये। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन, एंड इट इज नॉट ओनली बिकॉज, और इसकी वजह केवल ये नहीं है कि आई हैव नेवर रिटन बिफोर, कि इससे पहले मैंने आज तक कभी कुछ लिखा नहीं है। इसकी वजह यह नहीं है कि मैंने इससे पहले आज तक कभी कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसकी एक दूसरी वजह यह भी है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट, परंतु इसकी दूसरी वजह यह भी है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है दैट लेटर की बाद में, दैट लेटर ऑन यानी कालांतर में या पश्चातवर्ती वर्षों में, बाद में नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, न तो मैं और न ही कोई अन्य व्यक्ति जो है रुचि लेगा इन द म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स का मतलब होता है बच्चों चिंतन, मेडिटेशन, इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, अर्थात एक 13 वर्षीय विद्यालय जाने वाली छात्रा की जो म्यूजिंग्स हैं, एक 13 वर्षीय विद्यालय जाने वाली छात्रा का जो चिंतन है, उस चिंतन में बाद में न तो मैं रुचि लूंगी और न ही कोई अन्य व्यक्ति रुचि लेगा, इसलिए डायरी में लिखना मेरे लिए क्या है, एक डायरी में लिखना मेरी जैसी के लिए एक बड़ा विचित्र अनुभव है। राइटिंग इन ए डायरी इज रियली ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, यानी मेरी जैसी किसी लड़की के लिए, फॉर ए गर्ल लाइक मी, किसी मेरी जैसी लड़की के लिए डायरी में लिखना वास्तव में बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। क्यों? इट इज नॉट ओनली बिकॉज, इसका कारण सिर्फ यह नहीं है दैट आई हैव नेवर रिटन बिफोर, इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि मैंने आज से पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो, बल्कि इसका एक दूसरा कारण यह भी है, आई वेरी वेल नो इट, मैं इस बात को भली भांति जानती हूं, और इट सीम्स टू मी, ये बात मुझे प्रतीत होती है दैट लेटर ऑन, कि बाद वाले वर्षों में, कि पश्चातवर्ती वर्षों में, नाइदर आई नॉर एनीबडी एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गोइंग गर्ल, अर्थात 13 वर्ष की विद्यालय जाने वाली छात्रा की जो म्यूजिंग्स हैं। वर्ड क्या रहा बच्चों? देखो MUSING, ये वर्ड है MUSING। म्यूजिंग्स का मतलब होता है बच्चों मेडिटेशन। मेडिटेशन को हिंदी में कहते हैं आप चिंतन। मेडिटेशन को हिंदी में कहा जाएगा चिंतन। बात दरअसल यह है कि डायरी में लिखना मेरी जैसी किसी भी लड़की के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, बिकॉज इट सीम्स टू मी, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है दैट लेटर ऑन, कि बाद वाले वर्षों में नाइदर आई नॉर एनीबडी एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स, इन द मेडिटेशन ऑफ ए 13-year-old गर्ल, क्योंकि बाद में न तो मुझे और ना किसी अन्य व्यक्ति को एक 13 साल की विद्यालय की छात्रा की जो डायरी है उसमें लिखा हुआ जो मेडिटेशन है उसका, उसकी म्यूजिंग्स
अर्थात उसका जो चिंतन है उसके अंदर बाद में कोई भी रुचि नहीं लेगा, क्योंकि 13 साल की बच्ची की जो लिखावट है वो बचकानी लिखावट मानी जाती है, वो बच्चे की लिखावट मानी जाती है। देखो बच्चों आइए क्या लिखा है। ओ वेल, हाँ ये ठीक है, ओ वेल ये ठीक है कि इट डजंट मैटर, MATER मैटर का मतलब तो बच्चों मामला होता है, लेकिन यह इसका मीनिंग मामला नहीं है। इट डजंट मैटर का मतलब इट डजंट हैव एनी इंपॉर्टेंस, इसका कोई महत्व नहीं है। ओ वेल, हाँ ये ठीक है कि इट डजंट मैटर, इस बात का कोई महत्व नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, परंतु मुझे लिखने जैसा महसूस हो रहा है, परंतु मुझे लिखने जैसा महसूस हो रहा है, मेरे मन में लिखने की प्रबल इच्छा पैदा हो रही है। बात दरअसल यह है बच्चों कि आप देखते हैं कि कई बार बैंड बाजा बजता है तो कई जो दूसरे व्यक्ति उसको सुन रहे होते हैं, बच्चे बच्चियां, तो उनको नाच आता है, उस ट्यून को देख करके, उस धुन को देख करके उनके पांव थिरकने लगते हैं। दे फील लाइक डांसिंग, उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको नाचना चाहिए, उनके अंदर नाचने की प्रबल इच्छा पैदा होती है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से द गर्ल सेज दैट, ये लड़की कह रही है कि हालांकि मुझे पता है कि बाद में मेरी जो डायरी है उसमें ना तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगी और ना कोई अन्य व्यक्ति जो है, एक 13 साल की स्कूल जाने वाली छात्रा की डायरी में और कोई अन्य व्यक्ति भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस बात को अच्छे से जानती हूं, बट और मैं जानती हूं कि इस चीज का कोई महत्व नहीं है। इट डजंट मैटर मच, इस चीज का कोई महत्व नहीं है, बट आई फील लाइक राइटिंग, परंतु मैं लिखने जैसा महसूस कर रही हूं, परंतु लिखने की मेरे मन में प्रबल इच्छा पैदा हो रही है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे एक ग्रेटर नीड अर्थात एक बड़ी जरूरत है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माय चेस्ट। गेट ऑफ का मतलब होता है बच्चों उतार देना, मैं अपनी छाती पर से, मैं अपने सीने पर से, मैं अपने दिल के ऊपर से जो बहुत सारी ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, यानी बहुत सारी या सभी प्रकार की जो बातें हैं, उन बातों को उतार के अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूं। गेट ऑफ, यह शब्द देखो बच्चों, फ्रेजल वर्ब है, लिखो गेट ऑफ, इसका मीनिंग होता है बोझ हल्का करना, बोझ हल्का करना, बोझ हल्का करना इसका मीनिंग होता है। बोझ हल्का करना, आई वॉन्ट टू गेट ऑफ, आई वॉन्ट टू गेट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, मैं सभी प्रकार की जो बातें हैं उन बातों को उतार फेंकना चाहती हूं, मैं उन सारी बातों के बोझ को जो है उन उस बोझ से जो है हल्का करना चाहती हूं। माई चेस्ट यानी मेरे दिल को, मैं अपने दिल को, अपने सीने को, सभी प्रकार की बातों के बोझ से हल्का कर देना चाहती हूं। आगे वाला पैराग्राफ देखो बच्चों, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, THEN देन का मतलब की तुलना में होता है, तो पेपर हैज मोर पेशेंस, इसका मतलब कागज में ज्यादा धैर्य होता है। पेपर हैज मोर पेशेंस यानी कागज में ज्यादा धैर्य होता है, देन पीपल यानी लोगों की तुलना में, लोगों की तुलना में, लोगों की तुलना में कागज में अधिक धैर्य होता है, या लोगों की तुलना में कागज अधिक सहनशील होता है। ये कहावत है, आई थॉट ऑफ, आई थॉट अबाउट, मैंने सोचा किसके बारे में, आई थॉट अबाउट दिस सेइंग, आई थॉट अबाउट दिस प्रोवर्ब, मैंने बच्चों इस कहावत के बारे में सोचा, कब, ऑन वन ऑफ दोज डेज, मैंने इस कहावत के बारे में उन दिनों में से एक दिन में सोचा, व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस, जब मैं थोड़ा बहुत निराश महसूस कर रही थी, एंड आई वॉज सिटिंग एट होम, और मैं अपने घर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हेड, अपनी ठुड्डी को अपने हाथ में पकड़ करके, अपनी चिन, इस पार्ट को कहते हैं ठुड्डी को, तो अपनी ठुड्डी को अपने हाथ में पकड़ करके जब मैं अपने घर पे बैठी हुई थी, एंड आई वॉज बोर्ड, मैं नीरस थी, एंड लिस्टलेस, और मैं पूरी तरह सुस्त थी। लिस्टलेस का मतलब होता है लेजी, LAZY, लेजी मानी आलसी होता है, सुस्त होता है। ओके, पेपर इज मोर पेशेंस देन पीपल, वो कहती है कि कागज में लोगों से अधिक सहनशीलता होती है, कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, मैंने उन दिनों में से किसी एक दिन इस सेइंग या इस कहावत के बारे में सोचा था, व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, लिटिल मनी थोड़ा सा, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस महसूस कर रही थी, जब मैं थोड़ा सा निराश महसूस कर रही थी, एंड वो सिटिंग एट होम, और मैं अपने घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपने हाथों में, हैंड्स का मतलब दोनों हाथ, अपने दोनों हाथों में अपनी ठुड्डी को थामे हुए, अपने ठुड्डी को पकड़े हुए, जब मैं अपने घर पर बैठी हुई थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस, एंड आई वॉज बोर्ड, मैं कैसी थी, मैं नीरस थी, मैं बोर महसूस कर रही थी, आई वॉज फीलिंग बोर, मैं बोरिंग महसूस कर रही थी, एंड लिस्टलेस, और मैं पूरी तरह सुस्त थी। तभी क्या हुआ, वंडरिंग,
मैं इस बात के ऊपर ताज्जुब कर रही थी, आई वॉज थिंकिंग, मैं इस बात को सोच रही थी वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं इस बात को सोच रही थी कि मैं घर के अंदर बनी रहूं या घर से बाहर चली जाऊं। वेदर, वेदर और का जोड़ा होता है बच्चों, देखो वेदर आ रहा है और आगे और आ रहा है, ठीक है, वेदर और का जोड़ा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था आइदर और होता है, नाइदर नोर होता है, उसी प्रकार से वेदर और होता है। जैसे आई विल सेटअप दिस बिजनेस, मैं इस बिजनेस को सेटअप करूंगा, वेदर यू हेल्प मी और नॉट, चाहे तुम मेरी सहायता करो या मत करो। वेदर और का मतलब होता है चाहे या, चाहे तुम मेरी सहायता करो या मत करो, मैं तो इस बिजनेस को सेटअप करके रहूंगा। उसी तरीके से मैंने आपको कहा आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से बच्चों से बताया गया है कि आई वॉज वंडरिंग, आई वॉज थिंकिंग, मैं आश्चर्य इस बात को सोच रही थी, मैं बड़े आश्चर्य के साथ इस बात को सोच रही थी वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मुझे घर के अंदर बने रहना चाहिए, मुझे आई शुड रिमेन इनडोर, इनडोर का मतलब मुझे घर के अंदर रहना चाहिए, और आई शुड गो आउट या फिर मुझे बाहर चले जाना चाहिए, ऐसा मैं सोच रही थी। आई फाइनली स्टेड, और आखिरकार मैं वहीं रुकी रही, आई फाइनली स्टेड वेयर, और आखिरकार मैं वहीं रुकी रही, आई वॉज, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और आखिरकार मैं वहीं रुकी रही जहां मैं थी, और आखिरकार मैं वहीं रुकी रही जहां पर मैं थी। आगे देखना, ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब भी होता है बच्चों म्यूजिंग, मेडिटेटिंग, अर्थात आखिरकार मैं उसी स्थान पर बनी रही जिस स्थान पर मैं थी, ब्रूडिंग अर्थात इस बात को सोचते हुए, ये चिंतन करते हुए, मैं ये चिंतन करते हुए अंततो गत्वा उसी स्थान पर बनी रही जिस स्थान पर मैं थी। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, कागज जो है उसमें निश्चय ही, डज का प्रयोग पहले हुआ है बच्चों, आप ये देखो कि इस वाक्य में डज की आवश्यकता नहीं थी, या डायरेक्ट क्या हेज में एस या यस जोड़ते हैं हैव में, तो हैव के स्थान पर हेज आ जाता है, तो सेंटेंस ये बन सकता था कि पेपर हैज मोर पेशेंस, लेकिन इसने लिखा है पेपर डज हैव मोर पेशेंस, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ जो कागज है वो निश्चय ही लोगों से अधिक धैर्यवान होता है, हाँ कागज अवश्य ही, या हाँ कागज निश्चय ही लोगों से अधिक धैर्यवान या अधिक सहनशील होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस, और चूंकि, एंड सिंस, और चूंकि आई एम नॉट प्लानिंग, मैं कोई प्लान नहीं बना रही हूं, आई एम नॉट प्लानिंग, मैं कोई योजना नहीं बना रही हूं टू लेट, टू अलाउ एनी बडी एल्स टू रीड दिस, और चूंकि मैं ऐसी कोई योजना नहीं बना रही हूं कि कोई भी अन्य व्यक्ति इसको पढ़े, किसको, मेरी डायरी को। डायरी कैसी है, दिस डायरी इज स्टिफ बैक्ड, स्टिफ बैक्ड का मतलब ये सख्त जिल्द वाली है, स्टिफ बैक्ड यानी सख्त जिल्द वाली नोटबुक, ये सख्त जिल्द वाली जो पुस्तिका है, ग्रैंडली रेफर टू, जिसे शान से हम उल्लेख करते हैं एज अ डायरी, जिसे शान से हम डायरी कहकर के जिसका उल्लेख करते हैं, बड़ी शान के साथ, बड़े रौब के साथ हम जिसे डायरी कहकर के जिसका उल्लेख करते हैं, इस डायरी के बारे में मैं ऐसी कोई योजना नहीं बना रही हूं कि कोई मेरे अलावा कोई अन्य व्यक्ति इसको पढ़े, अनलेस, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, अनलेस, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, तब तक इसमें जरा भी परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक मुझे कोई नया दोस्त, कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, तब तक क्या होगा, टिल देन, तब तक प्रोबेबली, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, ए बिट यानी होता है बच्चों जरा सा भी, और डिफरेंस यानी फर्क, तब तक इसमें जरा सा भी फर्क नहीं आएगा, जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, तब तक इसमें जरा सा भी अंतर या जरा सा भी फर्क नहीं आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका दूसरा पैराग्राफ जो है ये मैंने क्लियर किया है। तीसरा देखना, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं उसी बिंदु के ऊपर वापस आती हूं, नाउ, अब, आई एम बैक, आई रिटर्न, अब मैं वापस आती हूं टू द पॉइंट, अब मैं उसी बिंदु के ऊपर वापस आती हूं, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं उसी बिंदु पर वापस आती हूं, दैट प्रॉम्प्टेड मी, दैट मोटिवेटेड मी, उसी बिंदु के ऊपर वापस आती हूं जिस बिंदु ने मुझे मोटिवेट किया, जिस बिंदु ने मुझे अभिप्रेरित किया टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, एक डायरी को प्रथम स्थान पर रखने के लिए, अब मैं उसी बिंदु के ऊपर लौटती हूं या उसी बिंदु के ऊपर वापस आती हूं जिसने मुझे एक डायरी को फर्स्ट प्लेस पर या प्रथम स्थान पर रखने के लिए प्रेरित किया।
अब मैं उसी बिंदु के ऊपर वापस आती हूं। वापस आइए, क्या कहती है देखो, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, इसका मतलब यह हुआ आई डोंट हैव ए फ्रेंड, और वो बिंदु यह है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, एंड फ्रेंक कहती है कि इस दुनिया में मेरा कोई मित्र नहीं है। आई हैव नो फ्रेंड, मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, वो ऐसा कहना चाह रही है। आगे देखो, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली का मतलब आई शुड मेक इट मोर क्लियर, अर्थात मुझे इस बात को और ज्यादा क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि इस बात को कौन मानेगा। आई शुड मेक इट मोर क्लियर, मुझे इस बात को और ज्यादा क्लियर कर देना चाहिए, बिकॉज नोबडी इन द वर्ल्ड विल बिलीव दैट, क्योंकि संसार के अंदर कोई भी इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करेगा दैट ए 13-year-old स्कूल गोइंग गर्ल, कि एक 13 साल की लड़की जो विद्यालय जाती है, शी इज नो फ्रेंड, और वो बिल्कुल अकेली है, शी इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, वो इस संसार के अंदर पूरी तरह अकेली है, बिल्कुल अकेली है। अगर इस बात को हम किसी को कहेंगे तो नोबडी विल बिलीव इट, कोई भी इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करेगा, कोई भी इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। देखो क्या लिखा है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इस बात को और ज्यादा स्पष्ट कर देना चाहिए, सिंस यानी क्योंकि नो वन विल बिलीव दैट, क्योंकि कोई भी इस बात को बिलीव नहीं करेगा, कोई भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा, ए 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 साल की लड़की इस संसार के अंदर सर्वथा अकेली है, पूरी तरह अकेली है, उसका अपना कोई नहीं है। इस बात को अगर हम किसी को कहेंगे तो कोई भी इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। आगे वो करिए, क्या करिए देखो, एंड आई एम नॉट, और वास्तविकता यह है कि मैं अकेली हूं भी नहीं, एंड आई एम नॉट, एंड द फैक्ट इज दैट, और तथ्य या सत्य यह है कि आई एम नॉट सिंगल, आई एम नॉट अलोन, वास्तव में मैं अकेली हूं भी नहीं। फिर कहना क्या चाह रही है, एक तरफ तो कह रही है कि साहब इस दुनिया के अंदर मेरा कोई दोस्त नहीं है, और फिर कह रही है कि मैं इस बात को और ज्यादा स्पष्ट कर देना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू मेक इट मोर क्लियर, मैं इस बात को और ज्यादा स्पष्ट कर देना चाहती हूं, बिकॉज नोबडी विल बिलीव दैट, क्योंकि कोई भी इस बात को बिलीव नहीं करेगा दैट 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 साल की लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। अगर हम ये बात किसी को कहेंगे तो कोई भी व्यक्ति इस बात को मानेगा क्या? कोई भी आदमी इस बात को नहीं मानेगा। तब वो कहती है, और सत्य यह है कि एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट अलोन, और सत्य यह है कि मैं अकेली हूं भी नहीं। फिर कौन कौन है इसके साथ, देखो क्या कह रही है ये, आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत प्यार करने वाले, मुझे बहुत प्यार देने वाले मम्मी पापा हैं। आई हैव लविंग पेरेंट्स का मतलब मेरे स्नेहिल माता पिता हैं, एंड ए 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की आयु वाली एक मेरे बड़ी बहन भी है। देखो क्या करिए, आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे स्नेहिल या स्नेही माता पिता हैं, एंड ए 16-year-old सिस्टर, और एक 16 वर्षीय बहन है, एंड देर आर 30 पीपल, और इस दुनिया में 30 ऐसे लोग हैं, एंड देर आर 30 पीपल इन द वर्ल्ड, और इस दुनिया में 30 ऐसे लोग हैं whom I can call friends, जिनको कि मैं अपना दोस्त कह सकती हूं। ऊपर इन्होंने कहा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, अब कह रही है कि साहब कोई भी इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की है कोई दोस्त ही नहीं है, तो मुझे इस बात को और ज्यादा स्पष्ट कर देना चाहिए, और मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि I am not alone, वस्तुतः या वास्तव में मैं अकेली हूं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, कौन कौन है इसके घर पर, इसके घर पर हैं, आई हैव लविंग पेरेंट्स का मतलब इसके घर पर इसके माता पिता हैं, आई हैव लविंग पेरेंट्स, ए 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की अवस्था वाली बड़ी बहन है, एंड देर आर 30 पीपल इन द वर्ल्ड हुम आई कैन कॉल माई फ्रेंड्स, और इस दुनिया के अंदर 30 ऐसे लोग हैं जिनको जी मैं अपने दोस्त या अपने मित्र कहकर के पुकार सकती हूं। तो इस तरीके से बच्चों, अब हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक, बाकी बात आपसे ब्रेक के बाद की जाएगी। ओके,
देखो बच्चों, अधूरी बात पूरी करता हूं अपने। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और मुझे इस बात को और ज्यादा स्पष्ट कर देना चाहिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट, चूंकि इस बात पर कोई भी आदमी यकीन नहीं करेगा कि 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, एक तेरह वर्षीय लड़की इस संसार में सर्वथा अकेली है, इस संसार में बिल्कुल नितांत अकेली है। आगे चलो। एंड आई एम नॉट, और वास्तव में मैं हूं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे स्नेही माता पिता हैं, स्नेही माता पिता हैं, अफेक्शनेट पेरेंट्स, लविंग 30 एंड ए 16-year-old सिस्टर, एक 16 वर्षीय बड़ी बहन है, बड़ी भगिनी है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 ऐसे लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं क्या कह सकती हूँ, जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ, जिनको मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे एक परिवार है। क्या है? आई हैव ए फैमिली, मेरे एक परिवार है। लविंग आंट्स, बहुत प्यार देने वाली चाचियां हैं, अफेक्शनेट आंट्स, अत्यंत स्नेह प्रदान करने वाली अत्यंत ममतामयी चाचियां हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड ए गुड होम, और एक बहुत अच्छा घर भी है। देखो क्या क्या चीजें हैं इसके घर में, सब कुछ है। शी इज लविंग पेरेंट्स, उसके बहुत प्यार देने वाले मम्मी पापा हैं। ए 16-year-old सिस्टर, एक 16 वर्षीय बड़ी भगिनी है, और क्या है, लविंग और अफेक्शनेट आंट्स, बहुत प्यार देने वाली चाचियां हैं, और क्या है, शी इज ए वेरी नाइस फैमिली, एक बड़ा अच्छा परिवार है। शी इज ए गुड होम, रहने के लिए बड़ा अच्छा घर है। ऊपर नो नहीं, पर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके पास तो सब कुछ है, पर लड़की ये कह रही है कि ऊपर ऊपर से, या सतही तौर पर देखने पर तो ऐसा लगता है कि आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास तो सब कुछ है, पर सच तो यह है कि मेरे पास नहीं है एक सच्चा दोस्त। लड़की की प्रॉब्लम यह है कि उसके साथ में एक इंटीमेट फ्रेंड नहीं है, एक सच्चा दोस्त नहीं है, घनिष्ठ दोस्त नहीं है, जिससे वो अपने दिल की बात, अपना हाल ए दिल जो है शेयर कर सके, ये इसकी समस्या है। देखो क्या बता रही है, नो नहीं, ऑन द सरफेस, ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है, ऑन द सरफेस को अंडरलाइन करो बच्चों, और उसका हिंदी में अर्थ लिखो सतही तौर पर। ऑन द सरफेस यानी सतही तौर पर, आई सीम, इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है, दैट आई हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास तो सब कुछ है। ऑन द सरफेस यानी सतही तौर पर, इट सीम्स दैट आई हैव एवरीथिंग, यानी सतही तौर पर देखने पर तो ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, और अगर नहीं है तो कौन नहीं है, एक्सेप्ट यानी होता है सिवाय किसके, माई यानी मेरे, वन मानी एक, ट्रू मानी सच्चे, और फ्रेंड यानी दोस्त, मेरे एक सच्चे दोस्त के सिवाय, मेरे एक सच्चे और मेरे एक अच्छे दोस्त के सिवाय, मेरे पास सतही तौर पर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, ऊपर ऊपर से देखने पर, सरसरी तौर पर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे एक सच्चे दोस्त के अलावा मेरे पास सब कुछ है। दोस्त भी होना चाहिए। और आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, ये लड़की कहती है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूं, व्हेन आई एम इन माय फ्रेंड सर्किल, जब मैं अपनी मित्र मंडली में होती हूं, तो मैं किसके बारे में सोचती हूं, ऑल आई थिंक ऑल शब्द का मीनिंग बच्चों कभी कभी ओनली होता है, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, शेक्सपियर ने कहा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड का मतलब ये हुआ, ओनली दैट ग्लिटर्स, केवल वो चीज जो चमकती है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी गोल्ड, उसको गोल्ड नहीं माना जा सकता। कहने का मतलब कोई चमकने के आधार पर सोना नहीं होता, बल्ब भी चमकता है, आग भी चमकती है, तारा भी चमकता है, केवल चमकने के आधार पर आप किसी को सोना नहीं कह सकते। ऑल दैट ग्लिटर्स, ओनली दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहां ऑल शब्द का मीनिंग बच्चों ओनली है। देखो आप क्या करिए, ओनली आई थिंक, या आई थिंक ओनली अबाउट व्हेन आई एम विद माय फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, इज हैविंग ए गुड टाइम का मतलब होता है मेक मैरी, मौज मस्ती करना। लड़की कह रही है जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ, अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, तो मौज मस्ती के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचती, या केवल और केवल मौज मस्ती के बारे में ही सोचती हूँ। मैं जब अपनी मित्र मंडली में होती हूँ, या जब मैं अपने दोस्तों के बीच होती हूँ, तो मैं जिसके बारे में पूरी तरह सोचती हूँ, या कुल मिलाकर के मैं जिसके बारे में सोचती हूँ, वो क्या है, वो है केवल और केवल हैविंग ए गुड टाइम का मतलब मौज मस्ती करना। मैं अपने दोस्तों के साथ में केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ, और इसके अलावा मैं अन्य बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। और 13 साल की बच्ची और सोचेगी भी क्या, छोटे बच्चे जो हैं वो किसके बारे में सोचते हैं, दे ओनली थिंक अबाउट हैविंग ए गुड टाइम, वे हमेशा मौज मस्ती और मेकिंग मेरी, अर्थात मस्ती करना, आनंद करना, है? इसके अलावा और दूसरी बातों के बारे में बच्चे नहीं सोच पाते हैं। तो इसमें यह लिखा हुआ है, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग,
आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं ला सकती हूं टू टॉक अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में बात करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आई कॉन्ट थिंक अबाउट एनीथिंग, मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच सकती हूं, मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच सकती हूं, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स का मतलब होता है कि साधारण दैनिक चीजों के अलावा, साधारण दैनिक चीजों के अलावा मैं किसी भी, साधारण दैनिक चीजों के अलावा मैं किसी भी अन्य चीज के बारे में नहीं सोचती हूं, नहीं सोच सकती हूं। किसके बारे में सोचती है? शी ओनली थिंक्स अबाउट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, वह केवल साधारण दैनिक चीजों के बारे में सोचती है। एंड अदर देन दैट, और उसके अलावा शी इज नॉट एबल टू थिंक अबाउट एनीथिंग, वह किसी भी अन्य चीज के बारे में सोचने में समर्थ नहीं होती है। आगे समझो बच्चों क्या लिखा है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर का मतलब हम और ज्यादा घनिष्ठ बनते हुए, हम और ज्यादा एक दूसरे के करीब आते हुए, हम और ज्यादा एक दूसरे के नजदीक आते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। वी डोंट सीम, देखो क्या लिखा है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर और टू बी एबल टू गेट मोर इंटीमेट। दरअसल समस्या यह है कि हम एक दूसरे के बहुत करीब आते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, हम एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ, हम एक दूसरे के प्रति बहुत, एक दूसरे के बहुत नजदीक आते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, और यही समस्या है। आगे क्या लिखा देखो, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, अर्थात हम एक दूसरे से, हम एक दूसरे के प्रति, वी डोंट एबल टू गेट मोर इंटीमेट, हम एक दूसरे के प्रति अधिक घनिष्ठ बनते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और यही तो प्रॉब्लम है, यही समस्या है कि हम एक दूसरे के बहुत करीब, हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, और यही प्रॉब्लम है। दरअसल ये कहना ये चाह रही है कि आज का जो व्यक्ति है वो एक दूसरे व्यक्ति से अपने दिल की बात नहीं कह पाता है, क्योंकि उसे सामने वाला व्यक्ति विश्वासी नहीं मिलता है। आज की जो समस्या है वो यह है कि कोई सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता है, हम एक दूसरे के सामने अपना हाले दिल या अपने 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 दिल की जो वास्तविक बात है, अपने दिल के अंदर की जो बात है, हम हर किसी व्यक्ति से शेयर नहीं कर पाते हैं, यही समस्या है। आज हर आदमी जो है अविश्वासी हो गया है, इसलिए बताया गया, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और यही तो प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम है। देखो आगे क्या है, मे बी, देखो बच्चों मे बी को याद करो, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो आपको कहा था कि मे बी को दो प्रकार से लिखा जाता है, मे बी के अंदर अगर आपने स्पेस दिया तो इसका मतलब वो मॉडल है, और मे बी को अगर आपने मिला के लिखा है तो इसका मतलब हुआ बच्चों उसका मीनिंग है परहैप्स, शायद, परहैप्स शायद। जैसे मैंने आपको कहा कि आई मे बी लेट दिस इवनिंग, आज की शाम में थोड़ा लेट हो सकता हूं, तो इसमें बच्चों मे और बी को आपको बीच में स्पेस देकर के लिखना पड़ेगा, पास पास नहीं लिखना पड़ेगा। वेन मे इज यूज एज ए मॉडल, जब मे का प्रयोग मॉडल की तरह किया जाता है और उसके साथ में बी आ रहा हो तो उन दोनों को सेपरेट लिखना चाहिए। लेकिन मे बी का प्रयोग अगर परहैप्स के अर्थ में किया गया, शायद के अर्थ में किया गया है, संभवतया के अर्थ में किया गया है, तब मे बी को मिला करके लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखना, और ये एडवर्ब है, ये भी याद रखो, मे बी इज एन एडवर्ब, ओके, अगर ये मिला हुआ है तो, और अगर ये सेपरेट है देन इट इज ए मॉडल, तब ये मॉडल है। आगे देखो, मे बी इट इज माई फॉल्ट, हो सकता है शायद ये मेरी गलती हो, मे बी इट इज माई फॉल्ट, परहैप्स इट इज माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती है, शायद ये मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, शायद ये मेरी गलती हो कि हम एक दूसरे के अंदर कन्फाइड नहीं करते हैं। क्या होता है कन्फाइड, देखो बच्चों कन्फाइड का मतलब होता है अपने मन की गोपनीय बात बताना। मे बी इट इज माई फॉल्ट, मे बी इट इज माई फॉल्ट, यानी शायद ये मेरी गलती हो, मे बी इट इज माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती हो, क्या, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम अपनी अपनी गोपनीय बातें एक दूसरे को नहीं बताते हैं, शायद ये मेरी गलती हो कि हम अपनी गोपनीय बातें, अपनी जो सीक्रेट थिंग्स है वो हम एक दूसरे को नहीं बताते हैं, हो सकता है शायद ये मेरी गलती हो। इन एनी केस, किसी भी परिस्थिति में, इन एनी केस का मतलब किसी भी परिस्थिति में, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, यानी वह ठीक वैसी है जैसी स्थितियां हैं। दैट इज जस्ट एज, जस्ट एज का मतलब होता है दैट इज जस्ट, यानी वह ठीक वैसी है, हाउ थिंग्स आर,
हाउ माने जैसी थिंग्स माने स्थितियां, हाउ थिंग्स आर यानी जैसी स्थितियां, किसी भी परिस्थिति में वह वैसी ही है, किसी भी परिस्थिति में वह ठीक वैसी ही है जैसी परिस्थितियां हैं या जैसी स्थितियां हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली और दुर्भाग्यवश दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश वो बदलने वाली नहीं है। क्या नहीं बदलने वाली है? परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली और दुर्भाग्यवश दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, अर्थात वो परिवर्तित होने वाली नहीं है, उनमें किसी प्रकार का बदलाव आने वाला नहीं है। दिस इज वाई आई स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि इस दुनिया में कोई सच्चा दोस्त नहीं है जिसको कि मैं अपने मन की बात उससे शेयर कर सकूं, इसलिए मैंने अपने दिल की बातें किस पे लिखने की ठान ली है, इसलिए मैंने अपने दिल की बातों को अपनी डायरी में लिखने की ठान ली है। और इसके अंदर राइटर आइए कहती है दिस इज वाई, और यही वजह आई स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैंने एक डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया है, यही कारण है कि मैं डायरी लिखने लगी हूं। आइए देखो, टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माय इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में, इन माय इमेजिनेशन का अर्थ होता है बच्चों अपनी कल्पना में, इन माय इमेजिनेशन अपनी कल्पना में, इस बहु प्रतीक्षित मित्र की छवि को बढ़ाने के लिए, टू एनहांस यानी होता है बढ़ाने के लिए, टू एनहांस टू इंक्रीज द इमेज माने छवि, यानी छवि को बढ़ाने के लिए, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड यानी इस बहु प्रतीक्षित मित्र, इस बहु प्रतीक्षित मित्र की छवि को अपनी कल्पना में बढ़ाने के लिए, या अपनी कल्पना में इस बहु प्रतीक्षित मित्र की छवि को बढ़ाने के लिए, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं इस डायरी के अंदर जो तथ्य है ना उनको जल्दी जल्दी संक्षेप के अंदर नहीं लिखना चाहती हूं जैसा ये आमतौर पर लोग करते हैं। मैं तो ये चाहती हूं कि अपने मन का जो हाल है, अपने जो दिल का हाल है, उसे खुल करके इस डायरी पर लिखूं। मैं तो ये चाहती हूं कि ये डायरी मेरी दोस्त बने, और मैं इस डायरी को आगामी समय में किट्टी कहकर के पुकारने वाली हूं। देखो बच्चों क्या लिखा है, टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में इस बहु प्रतीक्षित मित्र की छवि को बढ़ाने के लिए, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, द वे इन दैट वे, मैं तथ्यों को इस डायरी के अंदर, तथ्यों को इस डायरी के अंदर इस तरीके से घालमेल नहीं करना चाहती हूं, उस तरीके से नहीं लिखना चाहती हूं, दैट मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अधिकांश लोग किया करते हैं। मैं जो तथ्य हैं उनको इकट्ठा कर करके उन सारे तथ्यों को जो है मेरी डायरी के अंदर इस कदर घालमेल नहीं करना चाहती हूं कि सामने वाला व्यक्ति ये समझे ही नहीं कि मैंने मेरी डायरी में क्या लिखा है। तो उस तरीके से जिस तरीके से आमतौर पर लोग किया करते हैं, मैं इस डायरी के अंदर संक्षेप में सारे तथ्यों की गालमेल नहीं करना चाहती हूं, बल्कि क्या चाहती हूं मैं, बट बल्कि आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं तो ये चाहती हूं कि डायरी मेरी फ्रेंड बने, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, परंतु मैं तो ये चाहती हूं कि डायरी मेरी फ्रेंड बने, मेरी दोस्त बने, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं अपने इस दोस्त को किट्टी कहकर के पुकारने वाली हूं, और मैं अपनी इस दोस्त को या अपनी इस फ्रेंड को क्या कहकर पुकारने वाली हूं, आई एम गोइंग टू कॉल दिस डायरी ऑफ माइन, मैं अपनी इस डायरी को कॉल करूंगी किस रूप में, एज माई फ्रेंड किट्टी, मैं इसको अपनी जो दोस्त अपनी सहेली किट्टी है उस नाम से इस डायरी को संबोधित करने वाली हूं। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि पेज नंबर 50 के ऊपर जो तथ्य हैं बातें हैं उनका तो मैंने आपको एक बार ट्रांसलेशन करके समझा दिया है। अब आप नोटबुक खोलिए अपनी और एक बात लिखिए, एक बात तो बच्चों सबसे पहले लिखा देखो राइटिंग, यहां पर एक बात सामने आती है, यह है नाउन, इसके बाद में आता है बच्चों प्रीपोजिशन, लिखते चलो, इसके बाद में फिर आ गया नाउन, ओके, फिर नीचे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, फिर लिखो प्रीपोजिशन, और अब की बार लिखो नाउन। देखो बच्चों समझाने वाली बात यह है, किसी किसी सेंटेंस में इंग्लिश में जब अपन कोई सेंटेंस लिखते हैं तो कई बार जो सब्जेक्ट होता है बच्चों वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि देखो द गिफ्ट्स, ये आ गया ऑफ, और ये आ गया बच्चों नेचर। अब प्रश्न हमारे सामने आता है कि आगे आप इज का प्रयोग करोगे या आर का प्रयोग करोगे, देखना आप, देखो बच्चों इस तरीके से आपने क्या देखा कि अगर किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसमें दो नाउन हो, एक नाउन इधर आ रहा है एक नाउन इधर आ रहा है, और दोनों को आपने किसी प्रीपोजिशन की सहायता से जोड़ा है,
तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है बच्चों, प्रीपोजिशन के ठीक पहले जो वर्ड आता है इस वर्ड को कहा जाता है पेरेंट वर्ड। कौन सा वर्ड कहलाएगा ये? ये कहलाएगा बच्चों पेरेंट वर्ड या हेड वर्ड। पेरेंट वर्ड या हेड वर्ड कहते हैं आप इसको। तो यहां ये समझाने वाली बात है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, यानी किसी सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन की सहायता से दो नाउन को जोड़ा है, तो ऐसे सेंटेंस में बच्चों आपको यह देखना चाहिए कि प्रीपोजिशन के ठीक पहले जो शब्द आ रहा है जिसको कि पेरेंट वर्ड कहते हैं, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लेकिन बच्चों आप देख रहे हो कि ये सिंगुलर नहीं है, तो प्लूरल है, गिफ्ट्स है, इसलिए आपको इस खालिस्तान में ये नहीं भरना चाहिए, आपको आर भरना चाहिए। आप समझ गए होंगे क्या समझाना चाहा है मैंने। मैं समझाना चाहता हूं कि व्हेन यू कनेक्ट टू और मोर सब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ ए प्रीपोजिशन, जब आप किसी प्रीपोजिशन की सहायता से दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, तो होता क्या है बच्चों, देखने वाली बात यह है कि प्रीपोजिशन के ठीक पहले जो शब्द आता है उसको सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट माना जाता है, और अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है। ओके बच्चों, कभी कभी क्या होता है, देखो एक सेंटेंस लिखो द स्टूडेंट्स, लिखो द स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास इन माई स्कूल इंटेलिजेंट, ये लिख दिया मैंने इंटेलिजेंट। ओके रुक जाओ, ये द स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास इन माई स्कूल खालिस्तान इंटेलिजेंट। इसमें देखो बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले आ गया एक नाउन, और फिर क्या आ गया, ये आ गया प्रीपोजिशन, फिर आ गया टेंथ क्लास, ये क्या आ गया, ये फिर नाउन आ गया, फिर क्या आ गया, ये प्रीपोजिशन आ गया, और फिर क्या आ गया, नाउन आ गया। मैं ये समझाना चाहता हूं किसी सेंटेंस में ऐसी स्थिति हो कि एक से ज्यादा प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को एकाधिक प्रीपोजिशन या एक से ज्यादा प्रीपोजिशंस का प्रयोग करके दो या दो से अधिक नाउन्स को जोड़ा गया है, तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना चाहिए बच्चों, आप देख रहे हो इनके पहले क्लास आ रहा होगा, आप तो ये बताओ कि सेंटेंस के अंदर पहला प्रीपोजिशन कौन सा है। आपने देखा इस सेंटेंस में पहला प्रीपोजिशन ऑफ है, अगर पहला प्रीपोजिशन ऑफ है तो उसके ठीक पहले जो शब्द आ रहा वो कौन सा आ रहा, स्टूडेंट्स। अब बताइए स्टूडेंट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपके समझ में आ गया होगा कि स्टूडेंट्स प्लूरल है। अगर स्टूडेंट्स प्लूरल है बच्चों तो यहां पर क्या है, आर का प्रयोग सही होगा और इज का प्रयोग गलत होगा। इस तरीके का बच्चों जो यूज होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं, लिखना पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन। नियम यह है कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को किसी प्रीपोजिशन की सहायता से जोड़ा जाता है, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को किसी प्रीपोजिशन की सहायता से जोड़ा जाता है, या किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रीपोजिशन आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यह करना चाहिए कि जो पहला प्रीपोजिशन है उसके ठीक पहले जो वर्ड आता है बच्चों उसी को सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट मानना चाहिए, और उसी के आधार पर आपको वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, यानी अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। और सच्चे टाइप ऑफ यूज इज नॉन एज पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन, इस तरीके के यूज को बच्चों आप अंग्रेजी में पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसे शब्द को आप अंग्रेजी में, ये इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है, ऐसी जो बनावट है, उसको अंग्रेजी में पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। आपका ये जो पहला सेंटेंस है इसमें बच्चों आपने देखा राइटिंग इन ए डायरी, और उसके बाद में इज आ रहा है। ये इज इसलिए आ रहा है क्योंकि इन एक प्रीपोजिशन है और इनके पहले आ गया राइटिंग, और राइटिंग क्या है बच्चों, मैंने बताया राइटिंग एक जिरंड है, और जिरंड हमेशा एक वचन माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, यही कारण है कि राइटिंग इन ए डायरी यहां पर आर का प्रयोग नहीं होकर के इज का प्रयोग हो रहा है। ओके बच्चों, आज की बात यही समाप्त, बाकी बात अगली क्लास में। नमस्कार।